इसमें लिखा है लेट द वेक्टर्स ए बी सी, मतलब ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये सी है, और फिर बोला है प्रूफ करो कि ए क्रॉस बी प्लस सी जो है वो ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी के इक्वल है। अच्छा जी, तो एल एच एस में पहले तो ए और बी सी क्या दे रखा है, ए वेक्टर दे रखा है, ए वेक्टर हमारे पास है ए वन आई कैप, ए टू जे कैप, ए थ्री के कैप। सिमिलर ऐसी बी वेक्टर जो है वो क्या है, बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप बी थ्री के कैप, और ऐसी सी वेक्टर क्या है, सी वन आई कैप प्लस सी टू जे कैप प्लस सी थ्री के कैप। ये ए बी सी है। अब अगर एल एच एस की अगर मैं बात करूं तो एल एच एस के अकॉर्डिंग तुम्हें पहले बी प्लस सी करना है फिर क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो बी प्लस सी पहले कर लेते हैं, बी प्लस सी तो ऐड करना है इन दोनों को, बी और सी को। तो कैसे ऐड होता है, आई का आई के साथ ऐड होगा तो आई कॉमन मिलेगा, तो ये बी वन प्लस सी वन आएगा, जे का जे के साथ ऐड होगा तो ये बी टू प्लस सी टू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बी टू प्लस सी टू आ जाएगा, यस और नो। और ऐसे ही अगर हम के कैप को के कैप के साथ ऐड करेंगे तो यहां से बी थ्री और यहां से सी थ्री आ जाएगा, यानी कि बी थ्री प्लस सी थ्री, ये आ गया। अब तुम्हें क्या करना है, एल एच एस की अगर मैं बात करूं तो एल एच एस के अकॉर्डिंग तुम्हें करना है ए क्रॉस बी प्लस सी, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ पहले रो में आई जे के लिख दो, सेकेंड रो में ए वाले का कोफिशियंट यानी कि ए वन ए टू ए थ्री, और थर्ड रो में बी प्लस सी के कोफिशियंट यानी कि ये बी वन प्लस सी वन बी टू प्लस सी टू बी थ्री प्लस सी थ्री, ये। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे ठीक है, और देखते हैं कितना रिजल्ट ना, आप नोट करो और करो खुद से थोड़ी ट्राई कैलकुलेशन की कितना आ रहा है ठीक है, तो कितना आएगा यहाँ से देखते हैं ठीक है। अब यहाँ पे अब जैसे डिटरमिनेंट सॉल्व करते वैसे ही करेंगे, यहाँ पे कुछ नया नहीं करना है। तो देखो आई कैप लिखेंगे ब्रैकेट लगाएंगे, अब ये और ये हाइड होता है जैसे आप लोग करते हो, देखो अपने तरीके से करो ठीक है, ये नहीं कि छापना है तुम्हें, छापोगे तो फिर बस कभी कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं होने वाले ठीक है। तो क्या करोगे, ए टू का मल्टीप्लाई होगा किस में, ए टू का मल्टीप्लाई होगा बी थ्री प्लस सी थ्री में, बीच में माइनस, और इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा यानी कि ए थ्री का मल्टीप्लाई होगा बी टू प्लस सी टू में, तो फाइनली आई कैप के साथ ये आएगा। फिर हम जे कैप का टर्म लिखेंगे, माइनस जे कैप का, किसका, माइनस जे कैप। यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन है बस और कुछ नहीं, क्वेश्चन तो इजी है बस कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है। अब जे कैप का लोगे तो ए वन का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, ए वन का मल्टीप्लाई होगा बी थ्री प्लस सी थ्री के साथ, बीच में माइनस, अब ये और ये हाइट किया है, अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा यानी कि ए थ्री का मल्टीप्लाई होगा बी वन प्लस सी वन के साथ। फिर ऐसी के कैप आएगा तो इसका मल्टीप्लाई ए वन का मल्टीप्लाई होगा बी टू प्लस सी टू के साथ, बीच में माइनस, और ए टू का मल्टीप्लाई होगा बी वन प्लस सी वन के साथ ठीक है। और बस इनको सिंप्लीफाई करके लिख देंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखो आई कैप ब्रैकेट ए टू बी थ्री ए टू सी थ्री ए थ्री बी टू माइनस ए थ्री सी टू, ये आ गया आई के साथ ठीक है। और माइनस जे कैप ये आ जाएगा ए वन बी थ्री ए वन सी थ्री, माइनस ये आ जाएगा ए थ्री बी वन माइनस ए थ्री सी वन ठीक है, ये आ गया बी इसके साथ। फिर के कैप इसके साथ क्या आ गया, ए वन बी टू प्लस ए वन सी टू, यहाँ पे ए टू बी वन माइनस ए टू सी वन, तो ये इसके साथ आ गया। तो ये टर्म ऐसे ही लिख के छोड़ दो, अब हम करेंगे ये वाला पार्ट आर एच एस, तो आर एच एस को यहाँ करने की कोशिश करते हैं। तो आर एच एस के लिए पहले तो हमें ए क्रॉस बी निकालना है फिर ए क्रॉस सी निकालना है ठीक है। तो चलो पहले ए क्रॉस सी निकालते हैं, ए क्रॉस बी यानी इसका इसका,
तो क्या लिखोगे, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, सॉरी आई कैप जे कैप के कैप, ए वन ए टू ए थ्री, इधर से बी वन बी टू बी थ्री। चलो निकालो ये कितना आएगा, देखो आई कैप लिखा ए टू बी थ्री माइनस बी टू ए थ्री, प्लस जे कैप का टर्म क्या आएगा, अब बीच में माइनस आता है तो माइनस जे कैप कितना आएगा, ये और ये हाइट करोगे ए वन बी थ्री, बीच में माइनस बी वन ए थ्री, फिर के कैप का टर्म आएगा यानी इसका, तो ए वन बी टू, ए वन बी टू माइनस बी वन ए टू, ऐसा आ जाएगा। तो ये मैंने लिख लिया। अब ऐसे ही मैं क्या निकालूंगा, ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी, तो ए क्रॉस सी में फिर से वही आई कैप जे कैप के कैप लिख लेंगे, ठीक है, ये हम लिख लेंगे इसमें आई कैप जे कैप के कैप। और यहां पे ए क्रॉस सी में ए और सी को लिखेंगे कोफिशियंट, यानी कि ए वन ए टू ए थ्री, ए वन ए टू ए थ्री, अब ये सी वन सी टू सी थ्री, ठीक है, सी वन सी टू सी थ्री, तो ये कितना आ जाएगा ए क्रॉस सी से, ए क्रॉस सी से कितना आएगा, ए क्रॉस सी से तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है। अब देखो आई कैप जो है, आई कैप लिखोगे इसके साथ आएगा, देखो ए टू सी थ्री, ए टू सी थ्री माइनस सी टू ए थ्री, या ए थ्री सी टू लिख सकते हो। फिर माइनस का, चलो मैं माइनस का जे इधर लिख लेता हूँ, तो ये और ये हाइट होगा, तो ए वन सी थ्री, ये और ये हाइट हुआ ए वन सी थ्री, ए थ्री सी वन, ए थ्री सी वन प्लस के कैप, इसको इसको ऐड करोगे ए वन सी टू माइनस ए टू सी वन, यही तो आएगा। अब तुम्हें इन दोनों को ऐड करना है, क्या करना है ऐड, तो जैसे ही ऐड करेंगे, अब मैं इधर करके दिखा देता हूं, अब आरएचएस को मैं यहां कर रहा हूं, यानी कि मैं ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी को ऐड कर रहा हूं, तो कितना आएगा देखो, ये ए क्रॉस बी लिखा हुआ है और ये ए क्रॉस सी लिखा हुआ है, तो अगर मैं इसमें ऐड करूंगा इसको, तो आई कैप और आई कैप कॉमन मिलेगा, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, इसका ये टर्म आएगा ए टू बी थ्री माइनस का बी टू ए थ्री, और ये ऐड हो जाएगा, यानी कि ए टू सी थ्री माइनस ए थ्री सी टू, समझ रहे हो, ये आ जाएगा ब्रैकेट क्लोज। फिर जब माइनस जे और माइनस जे कॉमन ले लूंगा तो क्या आएगा, मतलब कैलकुलेशन, मतलब लिखना बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और बहुत बड़ा बड़ा लिखना है, वो भी छोटा मोटा नहीं लिखना, बड़ा बड़ा लिखना है को। तो यहाँ पे जे के साथ क्या ये ए वन बी थ्री माइनस बी वन ए थ्री, और यहाँ पे क्या है ये ए वन सी थ्री माइनस ए थ्री सी वन। फिर ऐसी के कैप के साथ लिखेंगे, तो के कैप के साथ ये टर्म है ए वन बी टू माइनस का, माइनस का बी वन बी टू, बी वन ए टू, और इधर ए वन सी टू और ए टू सी वन, ये आ गया। अब ध्यान से देखो, जो एल एच एस में था वो ये था और जो आर एच एस में वो ये है, मैं साइड हो जा रहा हूँ, सेम लिखा है, बस रीअरेंज करना पड़ेगा, देना अब वो मैं करूँगा नहीं, सीधा आप इक्वल लिखोगे। कैसे देखो, आई कैप के साथ है इधर ए टू बी थ्री ये लिखा है, बी टू ए थ्री देखो ये माइनस का ये लिखा है, ए टू सी थ्री ये लिखा है, और ए थ्री सी टू देखो ये लिखा है, ऐसी देखो ए वन बी थ्री ये है, बी वन ए थ्री ये हो गया, ए वन सी थ्री ये हो गया, ए वन सी थ्री और ये माइनस का ए थ्री सी वन, ए वन बी टू बी वन ए टू ए वन सी टू माइनस ए टू, पूरा एग्जैक्ट सेम आया। चाहे आप थोड़ा वीडियो पॉज कर दो, मैं साइड हो जा रहा हूँ, सेम रिजल्ट आया है, तो आप बाद में लिख देंगे एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। तो यहाँ पे बस थोड़ी कैलकुलेशन और ये सब ज़्यादा है, कॉन्सेप्ट तो वही सिंपल से था कि क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो मैंने काफ़ी मेहनत से कर दिया आपके लिए पूरा, क्योंकि मैं होमवर्क भी दे सकता था, ये क्वेश्चन लेकर चलो कर देता हूँ, जब आप कहोगे सर